पांचवें चरण का जो ये मतदान जारी है इसमें पश्चिम बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच आमने सामने का मुकाबला नजर आ रहा है। और अब जिस लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, जहां 2019 में पहली बार चुनाव जीतने वाले अर्जुन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके सामने है पार्थ भौमिक, टीएमसी के कद्दावर नेता है, 3 बार विधायक रहे हैं। तो इन दोनों की यहां पर बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। निधिश्री खुद इस वक्त मेरे साथ बैरकपुर से जुड़ी हुई हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस बार कैसी नजर आ रही है, आज की सुबह मतदाताओं के मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? निधि, देखिए लड़ाई सीधी सीधी पार्थो भौमिक जो कि टीएमसी से उम्मीदवार हैं और अर्जुन सिंह जो कि मौजूदा कैंडिडेट हैं बीजेपी से, और मतलब मौजूदा सांसद है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ लोग लाइन में खड़े हैं और इनकी शिकायत है कई सारी, और सीधा मैं इन्हीं से बात करूंगी। क्या हुआ है, कितनी देर से लाइन में खड़े और दिक्कत क्या? 1 घंटा हो गया लाइन पे खड़े है, लेकिन क्या है गर्मी में बहुत परेशानी हो रहा है और पसीना पसीना, क्योंकि यहाँ पे एक भी पंखा नहीं है। अगर एक पंखा अगर होता तो कम से कम थोड़ा बहुत सबको राहत मिलता। आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि चीज़ है जो लाइट लगा के रखा, दिन के टाइम में लाइट का तो कोई जरूरत नहीं है। तीन पंखा लगाने से आदमी लोगों को थोड़ा आसान होता है, बहुत आदमी लोग क्या कह रहे हैं, इधर आइए सर, ऐसे जोर से बोलने से अनेक कौन हो गया बार हमें चाहे, ये देखो गेंजीटर अवस्था, क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत हो रही है गर्मी, ठीक है। मैं महिलाओं से बातचीत करा दूं, देखिए चुनाव आयोग से इनकी शिकायत है, क्या कहे? शिकायत है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ 8 बजे आके, तो मुझे अभी तक वैसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई। 8 बजे के हिसाब से मैं अभी यहीं पे हूँ, अब कब तक खत्म होगा उसका तो पता नहीं है। गर्मी तो लग रही है, अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, काम भी होगा तो गर्मी में जाके करना है, तो उसके लिए तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उसका पता नहीं है, उसका जाके ही पता चलने वाला है। क्या लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उससे नाराज़ है? सुबह से लाइन में खड़े हैं, पंखा नहीं था गर्मी में, लाइन में खड़े हैं तब से, ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे? एक ही प्रॉब्लम है, 1 घंटा हो गया है लेकिन लाइन आगे जाने का कोई नाम नहीं दिख रहा है, सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। वो फिर भी सही आ सकता है, बट वेटिंग इन अ क्यू फॉर एन आवर, बट लाइक क्यू इज नॉट इवन गोइंग अप। एक बार दर्शकों को यहाँ जो मतदाताओं की लाइन है वो दिखा दूं, चूंकि अंदर कई पोलिंग बूथ है और इस वजह से मतदाताओं की लंबी कतार, और बंगाल में इस तरीके की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है, पोलिंग बूथ पर मतदाता लंबी लाइन में लगे होते हैं और ये अच्छी तस्वीर जरूर है। लेकिन एक चीज जो परेशान कर रही है यहाँ वो ये कि लाइट की व्यवस्था की गई है लेकिन पंखे की व्यवस्था नहीं है। जो मतदाता है उनको फिलहाल इस बात को लेकर आपत्ति हो रही है कि साहब ये कतार में तो हम खड़े हुए हैं लेकिन कतार आगे बढ़ ही नहीं रही है, रफ्तार जो है वो बढ़ ही नहीं रही है वोटिंग की, इस लिहाज से कि 1-1 घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक वोट देने की बारी नहीं आ पा रही है मतदाताओं की। और ये जो बैरकपुर सीट है यहां से बीजेपी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है अर्जुन सिंह को, जिनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी निधिश्री। इस वक्त अर्जुन सिंह हमारे साथ है एबीपी न्यूज पर जुड़े हुए, और आज कितनी बड़ी चुनौती पार्थो भौमिक है आपके सामने बैरकपुर? चुनौती कुछ भी नहीं है लेकिन प्रशासन का यूज करके जो ये हो रहा है ना वो कर रहे हैं सब, और पुलिस वाले उनको मदद करते हैं। क्या शिकायत मिली अभी तक? 123 नंबर, 199 नंबर, 198 नंबर बूथ पर हमारे पुलिंग एजेंट को हटा दिया गया। कौन करा रहा है? पार्थो भौमिक। ऐसे 3 मुद्दे जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर बैरकपुर में लोग वोट देने जाएंगे, करप्शन के खिलाफ, CAA और देश का मजबूत राष्ट्र नेता लाने के लिए। तो यहाँ की जनता, बैरकपुर की जनता आपके नाम पर, अर्जुन सिंह के नाम पर वोट दे रही है या पीएम मोदी के नाम? पीएम मोदी। आप तो पिछली बार सांसद रहे हैं बीजेपी के टिकट से, इस बार क्या आपको भरोसा नहीं है कि आपके नाम पर वोट मिलेगा? नहीं, उस बार भी पीएम मोदी जी के नाम पर हुआ, इस बार भी। क्या भरोसा, आप फिर दोबारा टीएमसी के पास तो नहीं जाएंगे? जनता तो यही पूछ रही है। अरे कोई नहीं पूछ रहा है, आप खाली पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों ने देखा है। नहीं नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है, सबको पता है कि कौन जीता कौन हारा ये टीएमसी को मालूम हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।